अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप जी स्टूडेंट्स? आप तमाम बच्चों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, पर बच्चों की चैनल पे बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हमें प्रॉपर कंप्लीट इसका सोल्यूशन दे दीजिए। तो अब चलिए जी, इसका PDF मैं इंशाल्लाह दे दूँगी, लेकिन अभी आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, और वो बच्चे जो है आपके काम आने वाली बातें होती हैं, ठीक है? तो वीडियो के साथ रहा करें, बेशक नोट ना किया करें। PDF आपको इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इजीली। आप याद रखें, जो चीज़ मैंने आपको पहले टारगेट पेपर पे बताई है आपने उसको फॉलो करना है, फिर मैंने आपको MCQ सीरीज़ अभी स्टार्ट की, आप उसको फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपका MCQ का पार्ट वहाँ से कवर हो जाएगा, जो जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताएंगे वहाँ से कवर हो जाएगा। लॉन्ग पार्ट जो है वो आपको एक ग्राफ से करोगे, और 3 थ्योरम मैंने आपको 9 चैप्टर के बताए हैं, इसके अकॉर्डिंग और फैक्टराइजेशन का टॉपिक जो है वो आपसे करोगे, तो आपका सेकंड पार्ट सी पार्ट डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट जो है कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में मैंशन जो लिंक्स मौजूद हैं, जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स यहाँ मुझे देख रहे हैं जो नहीं जानते वहाँ जाकर देख लीजिए। टारगेट पेपर मैंने आप लोगों का शेयर किया है, जिस बच्चों ने इस टारगेट पेपर को फॉलो किया है, चाहे उन्होंने PC का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर दिया हो, चाहे आदम जी का दिया हो, चाहे अपने स्कूल्स के प्रीलिम पेपर्स दिए हों, 100% बच्चा पेपर वही आएगा इंशाल्लाह ताला। आपने उसको फॉलो करना है, एक्सरसाइज को अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इंशाल्लाह आपका पेपर उसमें से ही आने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे, जो बच्चे सीरीज दिया कि आपके पास ये आपके पास जो है कॉन्जुगेट करके फाइंड आउट करना है, पहले Z1 Z2 करोगे, फिर इन दोनों को कॉन्जुगेट करोगे, लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के आपने इक्वल करनी है। ये ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं मज़ीद यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से नोट डाउन करिएगा, यहाँ से आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी? आगे आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन आपके पास फाइंड दी वैल्यू ऑफ लॉगरिथम आपके पास Chapter 2 से आया है, और इसमें से एक सवाल आपका ज़रूर आएगा। आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है, मंटेसा निकालना आना चाहिए। एक और बात बताते चलूँ, लॉगरिथम को आपने जस्ट कैलकुलेटर से नहीं करना, आपने अपनी लॉग की टेबल से करना है। लॉग और एंटी लॉग आपको आपकी बुक से निकालना आना चाहिए, क्योंकि बेटे साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो बोर्ड में अलाउ नहीं होता। अगर कोई एक इंटरनल्स वगैरह आपके अलाउ कर भी दें, तो एग्जामिनर जहां आपकी कॉपी चेक होती है वहां पे उसको काट दिया जाता है। तो मेरी बात याद रखिएगा, अगर आपके स्कूल्स में आप लोगों को ये लॉग जो है वो कैलकुलेटर से लेना बताया गया है तो बहुत गलत है। आप लोगों को अब उसको अपनी ब्लॉक टेबल से लेना पड़ेगा। जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आप अपने एग्जामिनर के पास जाओगे और जाके कहोगे कि मिस मुझे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, तो मुझे एक लॉग और एंटी लॉग का टेबल दे दीजिए। तो वो आपको एक शीट देंगी जिसमें एक तरफ लॉग होगा और दूसरी तरफ एंटी लॉग होगा, ठीक है? तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज़ को निकालोगे। इसके लिए आप मेरे चैनल पर चले जाइए, और वहाँ जाकर मैं इसका भी पूरी प्लेलिस्ट अपने चैनल की 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक की इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और वहाँ जाकर जो है तमाम एक्सरसाइजेस के अकॉर्डिंग को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, इस तरह का कोई भी एक क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, चाहे 4AB से हो, चाहे वो a² + b² से हो, चाहे a² - b² से हो, कोई भी एक सवाल इस तरह आएगा और अपने वैल्यू फुट करनी होगी। 3.2 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आप लोगों के लिए, आपने उसको पूरा सॉल्व करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, फाइंड द फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के जरिए आपने इसमें अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। टारगेट पेपर को जाकर देखें कौन कौन से एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो अलजेब्रिक सेंटेंसेस से आया है, मॉडुलस ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का कोई क्वेश्चन आया है, इस तरह की क्वेश्चन आपके पास आएंगी तो आपने उसको सॉल्व करना है, और आप वेरीफिकेशन कर भी निकाल सकते हो कि आपका आया आंसर ठीक आया है कि नहीं आया। बाज दफ़ा ऐसा होता है, अच्छा कुछ आपके पास जो है वो इक्वालिटी से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। इसका एक आपके जो सिलेबस पार्ट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड है, स्क्वायर रूट मेथड है, और आपके पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। दोनों की प्रैक्टिस आपने करनी है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, जो कि आपने करना है, और इसकी आपने एग्जांपल्स भी सारी कर जानी है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को साथ साथ गाइड कर रही होती हूँ बच्चे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आगे आ जाइए, पॉजिटिव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट प्रूफ इट। तो ये आपको आपके पेज यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है बच्चे? सारा सॉल्व आपको मिलेगा इसके अंदर इस PDF में। ये भी आपके पास एक ट्राइंगल आपने बनाना है, विच इज़ एंगल इज 65 डिग्री, एंगल बी इज 40 डिग्री, एंड मेजर एंगल एंड BC इज 5.8 सेंटीमीटर। आपने इसको ड्रॉ करना है। अच्छा जी, देख लीजिए, इस तरह आपने इसको ड्रॉ करेंगे, और इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी मैंने इसमें लिख दी है। आगे आ जाइए, एनी पॉइंट ऑफ द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड इट्स एंड पॉइंट्स, प्रूव इट।
ये भी आपके पास 11.1.1 थ्योरम है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मतलब मॉडल पेपर के तो आप सारे ही कर जाए ना, इसके अलावा जो बताया उसको फॉलो करना है। द सम ऑफ लेंथ ऑफ एन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ, प्रूव इट। ये भी आपके पास 12.1.3 थ्योरम है, ठीक है जी। आगे आ जाइए डिस्क्रिप्टिव पार्ट सेक्शन सी पर, जो कि आपने करना है 15 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अकॉर्डिंग टू माई गेस्ट पेपर आपने टारगेट पेपर आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। सारे मैंने मॉडल पेपर के सॉल्व कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। फिर बच्चे आ जाते हैं आगे, फिर आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, आपके पास 2 सामने सामने लीनियर इक्वेशंस आएंगी, आपने इसके ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इसको मेरे चैनल पर चले जाइए, 7x7 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइजेज हैं ये, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं बच्चे, इसको आप ज़रूर करके जाइए। इंशाल्लाह ताला लॉन्ग का एक पार्ट आपका ये कवर कर देगी। आपने इसमें जो है वो 3 एटलीस्ट पॉइंट ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है जी। फिर आपने इस तरह एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ग्राफ बनाना है, स्केल बनाना ज़रूर, यहाँ स्केल ज़रूर बनाइएगा। जैसे आप अपने स्केल के अकॉर्डिंग बनाइएगा, जो आपके पास बॉक्स आए होंगे, थोड़े बड़े बड़े बॉक्स आएंगे, और जो आप बॉक्स लोगे वो छोटा छोटा सा ग्रीन कलर का ब्लू कलर का आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, जिसमें आप 1 to 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर जो है आप यहाँ पे करोगे। आप लिखोगे 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेम आपने इसका अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग आपने जो अपना ग्राफ स्केल बनाना होता है, ठीक है बच्चे। आप अपने लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कहीं पर भी आप स्केल बनाओगे, स्केल लिखोगे ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस इस तरह। फिर आप लिखोगे 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, कि 2 मखाने जो हैं वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसके अकॉर्डिंग आपने इसको ग्राफ को बनाना होगा, ठीक है। छोटा सा बनेगा इस तरह एक बॉक्स के अंदर, जरा मैंने आपको हैंड राइटिंग में बताया इसलिए थोड़ा बड़ा आगे तक चला गया। इस तरह बॉक्स में आपने इसकी अपने स्केल को बनाना है। फिर आपने यहाँ अगेन बता दूं, फिर आपने बच्चे क्या करना है, यहाँ पर जो है ये मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आपके पास ये वाली लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्सेस एक्स एक्सेस है, ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सेस है, ऊपर वाली जो है वो पॉजिटिव वाई है और नीचे वाली जो है पॉजिटिव माइनस वाई है, ठीक है। इस ऑर्डर पर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपने इसको बनाना होता है। अच्छा जी, फिर उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, आपके पास ये भी आपके पास जो है एक थ्योरम है, ठीक है। 9.1.1 यही मैंने आपको सिर्फ 3 थ्योरम्स बताए हैं इस चैप्टर के, जितने थ्योरम्स आपने वो कर लेने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, आ जाइए। फिर आपके पास जो है बच्चे यहाँ पर लास्ट में जो है ये आपके पास, ये मैंने आप लोगों को चॉइस में छोड़वा दिया। अगर आप लोग करना चाहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मैंने आपको टोटली अपने स्किप करवाया है अपने बच्चों को, तो अगर आप करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। इसका सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर गिवन है जी। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं इस तरह की मज़ीद हेल्पफुल वीडियोस के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।